Otherwise, he was never put on the chain except for the night. ज्यादातर भालू को कभी चेन में नहीं बांधा जाता था सिवाय रात के. एंड क्वाइट राइटली सो, ठीक भी है. कोई फॉर अ बेयर लाइक अ डॉग इज एप्ट टू गेट समवॉट इल टेम्पर्ड इफ केप्ट ऑन द चेन एंड नो वंडर. जैसे कभी हम कुत्ते को जो है अगर चेन से बांध दें तो थोड़ी देर वो बंधा रहने के बाद इरिटेट होने लगता है. बिल्कुल ऐसा ही भालू के साथ भी होता था. इसमें कोई नई बात नहीं थी. He was also put on the chain on Sundays. उसको जो है संडे को भी चेन से बांधा जाता था. When his mistress went to spend the afternoon with her married sister, जब उसकी जो मिस्ट्रेस थी वो अपनी मैरिड सिस्टर के साथ दिन बिताने या दोपहर बिताने जाती थी. Who lived in a solitary house on the other side of the mountain lake. और जो उसकी मैरिड सिस्टर थी वो माउंटेन लेक की दूसरी तरफ एक अकेले से घर में रहती थी. A good hours walk through the dense forest. और उसकी मिस्ट्रेस को उस अपनी जो सिस्टर थी उसके पास जाने के लिए एक घने जंगल से काफी घंटों वॉक करके तब पहुंचना पड़ता था. It was not supposed to be good for him to wander about in the forest. अगर वो उसको चेन से नहीं बांधती तो पूरे दिन जो है उसके लिए अच्छा नहीं था कि वो जो है जंगल में घूमता रहता. विद ऑल इट्स टेम्पटेशंस, और हर तरफ ललचाई भरे नजरों से देखता रहता. इट वॉज बेटर टू बी ऑन द सेफ साइड. तो सेफ्टी को ध्यान में रखते हुए इसीलिए उसकी मिस्ट्रेस जो है हर संडे को उसको चेन से बांध जाती थी. ही वॉज ऑल्सो अ बैड सेलर एंड हैड वंस टेकन सच अ फ्राइट एट अ सडन गस्ट ऑफ विंड दैट ही हैड अपसेट द बोट एंड ही एंड हिज मिस्ट्रेस हैड टू स्विम टू द शोर. उसको तैरना भी नहीं आता था. ऐसा ही एक बार हुआ कि बहुत तेज हवा चली और उससे उसका बैलेंस खो गया जिससे वो और उसकी मिस्ट्रेस दोनों पानी में गिर गए और फिर उन्हें जो है तैर कर किनारे आना पड़ा. नाउ ही न्यू क्वाइट वेल व्हाट इज मेंट व्हेन हिज मिस्ट्रेस पुट हिम ऑन द चेन्स ऑन संडेज. अब उसे अच्छे से समझ में आ गया था कि क्यों उसकी मिस्ट्रेस जो है उसको संडे को चेन से बांध के जाती है. विद अ फ्रेंडली टैप ऑन हिज हेड एंड द प्रॉमिस ऑफ एन एप्पल ऑन हर रिटर्न. अगर फिर वो जो है जब उसको चेन से बांधती हैं तो प्यार से उसके सिर पे हाथ फेरती हैं और उसको प्रॉमिस करती हैं कि जब वो लौट के आएंगी तो उसको एक एप्पल खाने को देगी. इफ इट ही हैड बीन गुड ड्यूरिंग हर एब्सेंस, और अगर वो उनकी एब्सेंस में अच्छा रहा तो उसको सेब खाने को मिलेगा. ही वॉज सॉरी बट रिजाइंड लाइक अ गुड डॉग व्हेन हिज मिस्ट्रेस टेल्स हिम ही कैन नॉट कम विद हर फॉर अ वॉक. वो बड़ा परेशान होता था या उसे बड़ा बुरा लगता था जब एक अच्छे कुत्ते की तरह उसकी मिस्ट्रेस जो उसको मना कर देती थी कि नहीं तुम मेरे साथ जो है वॉक पर नहीं चल सकते. वन संडे व्हेन द लेडी हैड चेन्ड हिम अप एज यूजुअल एंड वाज अबाउट हाफ वे थ्रू द फॉरेस्ट. जब एक संडे को जैसे लेडी उसको हर संडे को चेन से बांध के जाती थी वैसे ही वो जो है उसको चेन से बांध कर चली और वो बस आधे जंगल ही पहुंची थी. शी सडनली थॉट शी हर्ड द क्रैकिंग ऑफ अ ट्री ब्रांच ऑन द विंडिंग फुटपाथ बिहाइंड हर. पर उसने जैसे ही उसको ऐसा लगा कि मैं आधे जंगल में पहुंची थी कि कहीं जो है पेड़ एक टूट के गिरा है. और वो कैसा है, बिल्कुल उसके पीछे टूट के गिरा है क्योंकि बहुत तेज हवा चल रही थी. शी लुक बैक एंड वॉज हॉरिफाइड टू सी द बेयर कमिंग अलोंग द फुल स्पीड. और उसने जैसे ही पीछे मुड़ के देखा तो एकदम से घबरा गई क्योंकि एक बेयर जो है वो फुल स्पीड से भागता हुआ उसके पीछे आ रहा था. बेयर्स लुक एज इफ दे मूव अलोंग क्वाइट स्लोली बट दे शफल अलोंग मच फास्टर देन अ ट्रॉटिंग हॉर्स. जब तक बेयर्स जो है धीमे धीमे चलते हैं तो तुम्हें पता नहीं चलता, पर जहां उन्होंने दौड़ लगाई बस फिर तो वो घोड़े से भी तेज भागते हैं. इन अ मिनट ही हैड जॉइंड हर पैंटिंग एंड स्निफिंग. और एक ही मिनट के अंदर यानी कह सकते हो पल भर के अंदर वो जो है बिल्कुल उसके पास आ गया और वो हाँफ रहा था और थका हुआ था. टू टेक अप टू हिज कैजुअल प्लेस डॉग फैशन एट अ हील्स. और वो जो है फिर क्या कहते हैं जैसे उसको जैसे वो कुत्ते को लेकर जाती है उसका मन ये था कि मेरे को भी जो है तुम साथ में लेकर चलो. द लेडी वॉज वेरी एंग्री. अब जो लेडी थी वो बहुत गुस्से में आ गई. शी वॉज ऑलरेडी लेट फॉर द लंच. उन्हें वैसे ही लंच के लिए देर हो रही थी. देयर वॉज नो टाइम टू टेक हिम बैक होम एंड शी डिड नॉट वॉन्ट हिम टू कम विद हर. आज तो पहले ही उनको अब वापस ले जाने का समय नहीं था क्योंकि आधी जंगल वो आ चुकी थी
और दूसरा वो उसको जो है अपने साथ ले जाना नहीं चाहती थी। एंड बिसाइड्स इट वॉज वेरी नॉटी ऑफ हिम टू हैव डिसओबीड हर। और उन्हें सबसे ज्यादा बुरा क्या लगा कि वो इतना शैतान हो गया कि उन्होंने उसको बांधा तो वो भी उसको तोड़कर वो उनके पीछे पीछे आ गया। शी टोल्ड हिम इन हर सीवियस्ट वॉइस टू गो बैक एट वंस मैनेंसिंग हिम विद हर पैरासल। अब उन्होंने जो है उसको एक सख्त आवाज में बोला, जाओ तुम वापस घर जाओ। उनके हाथ में जो कुछ भी होगा उससे उन्होंने उसको छू कर बोलते हुए कहा कि तुम जो है जाओ वापस जाओ। ही स्टॉप द मूवमेंट एंड लुकड एट हर विथ हिज कनिंग आईज बट डिड नॉट वॉन्ट टू गो बैक एंड केप्ट ऑन स्निफिंग एट हर। पर एक बार एक पल के लिए तो वो रुका, उसकी तरफ उसने थोड़ी चालाक भरी आंखों से देखा भी, लेकिन पर वो वापस नहीं जाना चाहता था और वो उनकी तरफ देखकर जो है जैसे सांसें भरने लग गया। When the lady saw that he had even lost his new collar, she got still more angry. अब जब उसने देखा कि अरे इसके जो गले में पट्टा था नया वाला वो भी नहीं है, तो वो जो है और ज्यादा गुस्से में आ गई। And hit him on the nose with her parasol so hard that it break into two. अब उन्होंने जो है गुस्से में उसकी नाक पर जो है बहुत जोर से मारा जिससे कि क्या कहते हैं उसके दो टुकड़े हो गए। He stopped again and shook his head and opened his big mouth several times as if he wanted to say something. वो फिर रुक गया, उसने अपना सिर नीचे झुका लिया और अपना बड़ा सा मुंह खोल लिया। कई बार वो खोल रहा था, उसका मतलब ये था कि वो कुछ कहना चाहता है। Then he turned round and began to shuffle. वो जो है पीछे मुड़ा और जो है अपनी बॉडी को शेक करने लगा। Back the way he had come, stopping now and then to look at the lady till at last she lost sight of him. और फिर उसने जो है जब तक उसको देखता रहा जब तक कि वो लेडी जो है उसकी आंखों से ओझल नहीं हो गई। When the lady came home in the evening, the bear was sitting in his usual place outside his kennel, looking very sorry for himself. जब लेडी जो है शाम को घर आई तो बेर जो है अपनी जगह पर चुपचाप बैठा हुआ था और बहुत ज्यादा अपने आप के लिए बुरा फील कर रहा था। द लेडी वॉज स्टिल वेरी एंग्री। जो लेडी थी वो फिर भी बहुत गुस्से में थी। शी वेंट अप टू हिम एंड बिगेन टू स्कोल्ड हिम मोस्ट सीवियरली एंड सेड ही वुड हैव बीन चेंज्ड फॉर मोर टू डेज। अब क्या हुआ, वो लेडी क्योंकि गुस्से में थी, नाराज थी, वो उसके पास गई और उसने बोला उसको डांटते हुए कि अब जो है तुम दो दिन तक और चेन में बंधे रहोगी। The old cook, who loved the bear as if he had been her son, rushed out from the kitchen very angry. जो old cook था, जो कि bear को बिल्कुल अपने बच्चे जैसे प्यार करता था, वो जो है बाहर निकल के आया और वो जो है बहुत गुस्सा हो गया। What are you scolding him for, misuse? said the cook. अब क्या कहते हैं वो उसने लेडी से बोला, क्यों डांट रही हो इसको? He has been as good as a gold the whole day. और वो पूरे दिन जो है बिल्कुल जैसे एक सोना होता है उसकी तरह बिल्कुल चुपचाप बहुत अच्छे से रहा। ब्लेस हिम, उसको आशीर्वाद दो। ही हैज बीन सिटिंग हियर फॉर क्वाइट स्टिल ऑन हिज हॉन्चेस एज मीक एज एन एंजल लुकिंग द होल टाइम टूवर्ड्स द गेट फॉर यू टू कम बैक। वो चुपचाप जो है अपने पंजों पर बैठा हुआ था जैसे एक शांत एंजल होती है और पूरे दिन वो तुम्हारा वेट करता रहा, तो गेट की तरफ देखता रहा कि तुम कब गेट से जो है लौट कर आओगी।